नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीक्रेट ड्रीम्स ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ, गर्भावस्था के दौरान यदि कौन सा सपना देखने से घर में लड़का है या लड़की है यह पता लगता है। हम आप सब से ये गुजारिश करेंगे कि यदि पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों का स्वास्थ्य सही रहे। दोनों ही आपके घर के रौनक बनते हैं, दोनों ही आपके घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों ही आपके भविष्य में नाम रोशन करते हैं। तो आज का हमारा ये विषय उन भाई बहनों के लिए हैं कि जो ये जानने के लिए बेहद एक्साइटेड रहते हैं कि उनके पेट में जो पल रहा शिशु, आने वाला शिशु, वो लड़का है या लड़की, उन्हें जानने के लिए बहुत ही उतावले रहते हैं। देखिए, घर में यदि कोई स्त्री या महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनका घर का रौनक ही अलग होता है। उनके घर में बहुत ज़्यादा माहौल ही अलग हो जाता है। लड़का होगा या लड़की होगी, उन्हें हाव भाव चाल से ही वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। वो गेस करते हैं कि लड़का होगा या लड़की, ये हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। ऐसे ही ओपिनियन हमारे बड़े बुजुर्ग दे गए हैं, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि क्या कैसे होने से लड़का होगा या कैसे होने से लड़की होगा, ये सारी बातें हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे हैं। हमारे घर में यही प्रथा चलती आ रही है कि ऐसे सोने से या ज़्यादा सोने से लड़की होगी या ऐसे कुछ कहते हैं। आप सभी को भी पता ही है, कहने का तात्पर्य ये है कि गर्भावस्था के दौरान हर गर्भवती महिला के लक्षणों को देखकर वो पता लगाते थे कि घर में लड़का पल रहा है या लड़की। कुछ बातें सपन शास्त्र में भी लिखा होता है कि क्या कैसे लक्षणों से क्या होगा के बारे में सारी जानकारी दिया होता है। तो ऐसा ही हम आज आपके सामने लेके आए हैं कि कौन सा सपना देखने से आपको पुत्र प्राप्ति होता है के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा सपना है जिसे देखने से गर्भवती महिलाओं को पुत्र प्राप्ति का योग होता है। सबसे पहला सपना ये होता है कि यदि कोई स्त्री, गर्भवती स्त्री, सपने में तरबूज देखती है, अर्थात उनको तरबूज दिखाई देता है, तो यह निश्चित हो जाता है कि उन्हें पुत्र प्राप्ति का योग होगा। अर्थात तरबूज का सपना आता है यदि कोई गर्भवती महिलाओं को, तो उन्हें पुत्र प्राप्ति का योग होता है, यानी कि उनके घर में जो भी शिशु होगा वो पुत्र होगा। यदि गर्भवती महिला गर्भावस्था के दौरान सपने में पुत्री पैदा करते हुए सपना आता है, तो उन्हें रियल में पुत्र प्राप्ति का योग होता है, यानी कि पुत्र को जन्म देती हैं। यदि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को यदि सपने में पुत्र पैदा करते हुए का सपना आता है, तो आने वाले समय में उनके घर में पुत्र का जन्म होता है, यानी कि लड़की का जन्म होता है, ऐसा मान्यता है। यदि सुबह सुबह आपको ऐसा सपना दिखाई देता है कि आपको लड़का पैदा होता हुआ सपने में यदि आपको आता है, तो यह सपना सच होता है। ये मान्यता है कि आपके घर में जो बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़का ही होगा, यह मान्यता है। यदि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को सपने में लाल मिर्च का सपना दिखाई देता है, यानी कि उनके सपने में लाल मिर्च दिखाई देता है, तो उनके घर में लड़की की जन्म होगा, यह सपना कहता है, और यह हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। यदि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को सूर्य का सपना आता है, यानी कि सूर्य के दर्शन होते हैं सपने में, तो आने वाले संतान जो होती है
पुत्र ही होती है और वो दीर्घायु और यशस्वी होती है, ऐसा माना जाता है। सब शास्त्र और बड़े बुजुर्ग यह कहते हैं कि ऐसा होता है। यदि किसी गर्भवती महिलाओं को सपने में सफेद कबूतर दिखाई देता है तो सपन शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पुत्र प्राप्ति होने के योग बनते हैं, यानी कि उस महिला के पुत्र ही होता है यह माना जाता है। यदि किसी महिला को सपने में शकरकंद का सपना आता है, यानी कि उसे ऐसा सपना दिखाई देता है कि वो शकरकंद देख रही है, तो सपन शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उनके आने वाले संतान जो है वो पुत्र प्राप्ति ही होगी और वो संतान जो है गुणवान होता है। यदि किसी महिलाओं को, यानी कि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कमल का फूल खिलते हुए दिखाई देता है, यानी कि खिला हुआ फूल भी दिखाई देता है, तो सपन शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पुत्र की प्राप्ति होगी। यदि किसी महिलाओं को सपने में हाथी के दर्शन होता है, यदि हाथी उनके सपने में आता है, उनको दिखाई देता है, तो सपन शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उनको पुत्र प्राप्ति का योग है और जो संतान होता है वो बहुत ही बलवान होता है। यदि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को शिवलिंग के दर्शन होते हैं सपने में, यदि सपने में शिवलिंग का दर्शन करते हुए दिखाई देता है या सपने में शिवलिंग दिखाई देता है, तो सपन शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पुत्र प्राप्ति ही होगी। यदि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को सपने में पानी का खोज करते हुए या सपने में पानी दिखाई देता है, तो सपन शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आने वाला संतान जो है पुत्र पैदा होने वाला है, साथ ही साथ उनके घर में धन का वृद्धि होने वाली है, अर्थात धन की वृद्धि होने वाली है। यदि किसी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सूर्य उदय होते हुए दिखाई देता है, तो सपन शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पुत्र प्राप्ति का योग है और जो पुत्र होगा वो बहुत ही बलवान और बहुत ही अच्छा, नेक और बहुत ही दयालु किस्म का होगा, जिसे आपके घर में आने से आपके घर में जितने भी बुरी स्थितियां है, जितनी भी परेशानी थी, वो सारी टल जाएगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शुभ समय होने वाला है, ऐसा माना जाता है। यदि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को सपने में दीपक चलते हुए दिखाई देता है, तो सपन शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पुत्र का जन्म होता है और जो परिवार का लाडला होता है और समाज में अपना नाम रोशन करता है और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, जो पुत्र है आपके लिए बहुत ही शुभ है। यदि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को सपने में शिव जी का मंदिर दिखाई देता है, तो सपन शास्त्र के अनुसार इसका मतलब ये होता है कि आपको आने वाला संतान जो है वो दो लड़कों के की संतान के रूप में प्राप्ति होगी। और इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि आप किसी बीमार से ग्रसित हैं तो वो बीमार अब दूर हो जाएगा और आने वाला समय में आप ठीक हो जाएंगे। यदि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को सपने में शिवलिंग स्थापित करते हुए का सपना आता है, यानी कि वो शिवलिंग की पूजा करते हुए उनको दिखाई देता है, तो सपन शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उनके घर में पुत्र प्राप्ति का योग है, जो संतान होने वाला है वो उनका नाम रोशन करेगा, समाज में नाम करेगा और घर में रौनक लाएगा और आने वाला जो संतान है वो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। यदि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को सपने में साधु संत दिखाई देते हैं, तो सपन शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में उनको पुत्र प्राप्ति होगा, जो संतान होगा वो आपका नाम रोशन करेगा, समाज में नाम करेगा और वो बहुत ही ज्ञानी होगा।
यदि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सपने में अंडा खाता हुए दिखाई देता है, यानी कि अंडे खाते हुए दिखाई देता है, तो सपन शास्त्र के अनुसार इसका अर्थ ये होता है कि आने वाला जो संतान है वो पुत्र प्राप्ति का योग है। यदि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को आकाश का सपना दिखाई देता है, वो आकाश को सपने में दिखाई देते हैं या सपने में वो आकाश को देखती हुई ऐसा सपना उनको दिखाई देता है, तो सपन शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उनको भी पुत्र प्राप्ति का योग होता है। यदि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को मोती का सपना दिखाई देता है, यानी कि मोती का हार पहनते हुए उनको सपने में दिखाई देता है, तो सपन शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सपने में जो दिखाई देता है वैसे ही उनका पुत्र होगा और नाम रोशन करेगा। जैसे मोती चमकता है, उनका बेटा भी सारे जग में चमकेगा, यानी कि उनके नाम बहुत ही ज़्यादा फैलाएगा और उनका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। यदि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को गाय के साथ बछड़े भी दिखाई देते हैं, तो सपन शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आने वाला जो संतान होगा वो पुत्र ही प्राप्त होगा। ये जो भी संकेतों के बारे में हमने आपको बताया, ये संकेत कितने सच्चे हैं, यानी कि कितना सच होगा के बारे में हम ये नहीं कहते कि ये सारी बातें जो है वो देखने से पुत्र प्राप्ति होगा या पुत्र प्राप्त होता है। और ये तो सपन शास्त्र और जो बड़े बुजुर्ग कहते थे उनके आधार पर है, लेकिन आपके घर में जो भी हो, चाहे लड़की का जन्म हो या लड़के का जन्म, दोनों ही आपके खून है, दोनों ही आपके अनमोल रतन है, दोनों ही आपके जग में नाम रोशन करते हैं, दोनों को ही बराबर समझना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी कि यदि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को सपने में क्या दिखाई देने से लड़का होता है या लड़की होती है के बारे में कुछ जानकारी। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।